सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियाँ करने में बिताया गया जीवन न सिर्फ अधिक सम्मानीय है बल्कि बिना कुछ किए बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी भी है। हर रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता मेरे दोस्तों। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांस देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज का पंचांग 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 9:22 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:29 से 11:35 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मेष राशि 20 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार, आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने ना दें, अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को अच्छा करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान ना दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। यह समय आपके लिए शानदार है। कानूनी मामले आपके पक्ष में हैं। आपको अपने सलाहकार या पिता के साथ विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। आपकी आध्यात्मिक विश्वासों का परीक्षण किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिस धन का आप इंतजार कर रहे हैं वह जल्द ही मिलेगा। अपने काम में निपुणता आपको भीड़ में भी अलग बनाती है। अपने प्रियजनों और सहकर्मियों को प्रोत्साहित करें। यह समय मौकों से भरा हुआ और शुरुआत के लिए बढ़िया है। दूसरे लोगों की बातें सुनना और परिश्रम करना परिवर्तन लाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगे। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा और आप उसमें कामयाब भी रहेंगी। परिवार के साथ वक्त बिताने से आपको परिवार के लोगों के अनुभव द्वारा कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अभी भले ही आपको अपनी पर्सनल स्पेस ना मिल रही हो लेकिन लोगों के साथ वक्त बिताकर आपको आपके अंदर की भावनाओं को समझने के लिए मददगार रहेगा। जिन बातों से आपको तकलीफ होती है उन बातों पर अधिक ध्यान दें क्योंकि हीलिंग करने की जरूरत होगी। नौकरी करने वालों को करियर में परिवर्तन लाना आसान होगा। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से परिवार संबंधी समस्या दूर होने के लिए मदद मिलेगी। अधिक मेहनत और व्यस्त जीवन शैली की वजह से शारीरिक तकलीफ हो सकती है। सावधानियां: घर के लोगों के कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। सबको अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है, इससे घर का माहौल उचित बना रहेगा। आज पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अत्यधिक क्रोध करने से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी।
कईयों के लिए अभी का समय रोमांटिक माहौल के लिए अच्छा नहीं है और आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते में कम होते प्यार को थोड़ी सी कोशिश करके फिर से पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है, लेकिन धीरज रखें और इस अस्थायी चिड़चिड़ेपन की दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। आज लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं और लोगों से आप मिल सकते हैं, इससे आपको खुशी और शांति प्राप्त होगी। मोहब्बत के लिहाज से आज के दिन बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन किसी का साथ इसे अच्छा बना देगा। अपने साथी के लिए कुछ स्पेशल करें। नई शुरुआत के लिए आज का समय बेहतरीन है। आपके प्यार और रिलेशनशिप में फ्रेशनेस है जो आपको अपनी चाहत के और भी करीब ले आएगी और आपका प्यार अटूट बनेगा। रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांच ले कि क्या यह केवल आकर्षण है या आप सच्चे दिल से अपने साथी को चाहते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ें। बात करते हैं करियर की। आज आप खुशियों की तलाश में हैं और किसी गुण ज्ञान से आपको प्रसन्नता मिलेगी। पिता या अधिकारी आज आपकी मदद कर सकते हैं या उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। धन या लेन देन में नुकसान आपके रोजाना के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। आज आप भीड़ में भी अलग हैं। दूसरों को सुनना न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी बेहतर महसूस कराता है। खुद को प्रेरित करें और इस चरण का मजा लें। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। यह नई शुरुआत करने का अवसर है। याद रखें, अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझे कि आधा काम पूरा हो गया। अच्छा, आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज आप अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको प्रसन्नता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है, परंतु कार्य संपन्न होने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इस समय तनाव लेने की अपेक्षा धैर्य बनाकर रखना ज्यादा उचित रहेगा। युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को इस कंपटीशन के माहौल में अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। अगर आप आज पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत प्रयास असंभव सी उलझनों में फंसकर रह जाएंगे जिसका आपको कोई कारण भी नहीं समझ आएगा। टीम के रूप में काम करने से ये समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती है। टीम प्रयास और सहयोग आज आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इस बीच अपने स्वास्थ्य को ना भूलें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। आज आप अपने दोस्तों के साथ व्यायाम कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इससे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख भी सकते हैं। आज का उपाय। आज आप लक्ष्मी माता जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।